फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। मैं उमेश, इंडियन एवरीवेयर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज साल का पहला दिन है, इसलिए आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आशा करता हूं कि यह साल आप लोग के लिए बहुत अच्छा गुजरेगा। तो आज हम लोग जा रहे हैं सागरा उषा गेट। ये रियाद से करीबन 150 से 200 किलोमीटर दूर है और ये एक हिस्टोरिक सिटी है। तो चलिए चलते हैं। जब सागरा के रास्ते पे है, 50% हम लोगों ने रास्ता को क्रॉस कर लिया है, तो रास्ते में बहुत अच्छा जगह है, तो मैं सोचा आप लोगों को भी दिखाता चलूं। देखे माउंट पार्क का नाम क्यों है, क्यों देखिए ऊंचाई पर है। अभी हम लोग इसके ऊपर जाएंगे, तो चलिए चलते हैं। लोग आ गए हैं माउंट पार्क के ऊपर। तो इस साइड से एंट्रेंस है और ये देखे काफी बड़ा पार्क है। तो चलिए अंदर चलता हूं और आपको एक एक करके दिखाता हूं यहाँ की खूबियां। एंट्रेंस के साथ ही राइट साइड में ये बच्चों के लिए देखिए खेलने का अच्छा सा जगह बना हुआ है यहाँ पे, और यह ग्राउंड में भी बैठ के आप पिकनिक पार्टी जो भी करना है कर सकते हैं आप लोग। काफी जगह है पार्किंग के लिए, तो काफी लोग शाम को तो काफी लोग आते हैं। मैं तो इसलिए जल्दी आता हूँ कि आप लोगों को ज्यादा दिखा सकूं, भीड़ भाड़ ना हो। तो ये पार्किंग स्पेस है यहाँ का। दोस्तों, ये फाउंटेन है, फिलहाल तो बंद है, शाम को ये स्टार्ट करते हैं, तो मैं सोचा आपको दिखाता चलूं इसे भी। एक छोटा फाउंटेन है ऐसा, करीबन मेरे को 6 तो दिख रहा है इधर। ये देखिए काफी सारा बना हुआ है यहाँ फाउंटेन, काफी दूर में आपको रेगिस्तान दिख रहा होगा यहाँ से, और यहाँ आएंगे तो आप देखें यहाँ इस जगह पे बैठने का जगह बना हुआ है। व्यू पॉइंट पे यहाँ तो देखें काफी अच्छा नजारा है यहाँ का। फिलहाल जो स्टार्टिंग का पार्ट था उसी इलाके में थे, अभी वहीं का आपका नजारा दिखा रहा था मैं। तो चलिए चलते हैं और दूसरे साइड में और देखते हैं उधर क्या है। तो हम लोग पार्क के बीचों बीच आ गए हैं, यहाँ काफी बड़े इलाके में देखे बच्चों के खेलने का जगह बना हुआ है। चलिए चलते हैं थोड़ा अंदर हम लोग भी। चलते चलते आ गए हैं पार्क के एकदम बीचों बीच में। इतना बड़े इलाका में यह पार्क है, बीच जब मैं बीच में खड़ा हूं तो
इस रेगिस्तान में भी देखें हरियाली। ये बाउंड पार्क नाम से आपको पता चल रहा होगा कि पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। यहाँ से चारों तरफ के पहाड़ के चारों तरफ से जाएंगे तो आपको सिटी का अच्छा व्यू दिखता है। तो चलिए अब दूसरे कोने में चलते हैं हम लोग। चलते चलते इस जगह पे आ गए हैं जहाँ पर लोग पिकनिक करते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं पिकनिक में और बारबेक्यू करते हैं यहाँ पे लोग। तो ये जिस जगह देखें चारों तरफ फैला हुआ है, काफी बड़े इलाके में है। मैं आप लोगों को कुछ अच्छा दिखाता हूँ। मेरे पीछे जो सिटी दिख रहा है, जो यहाँ का जो ओल्ड हेरिटेज सिटी है, उसके ब्लॉग में इसके बाद भी बनाऊंगा, आप उसे भी बाद में जाकर देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं आया था तो मैं आपको दिखाऊं ऊपर वो कैसा दिखता है।